आज का एक बहुत शुभकारी दिन है कि आज भोजन दिन हम सब भोजन भारत के पूरे भोजन लोग आज भोजन दिन हम मानते हैं। आज माननीय काशीराम जी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पे जो मुंबई जिला के ओर से यहाँ पे जिला कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पे आज आयोजित किया वाला है और यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष है हमारे पंकज जी यादव साहब जी है और यहाँ के उनके इंचार्ज जो है हमारे आदरणीय वर्षा जी इंगड़े साहब है और जो यहाँ के जिला के प्रभारी है आदरणीय मालाजी साहब है और अर्जुन साहब है और इनकी मेहनत से पूरा मुंबई शहर में आगामी जो निवडणूक है और जो लोकसभा की निवडणूक है वो इनके नेतृत्व में यहाँ पे निवडणूक पूरा काम होता है। सर एक आप बोले तो सही आपका क्वेश्चन सही है मगर माननीय काशीराम जी हमारे कहते थे कि आप भीख मांगने वाली समाज मत हो, आप भीख देने वाली समाज मत हो। और राजनीतिक सत्ता ऐसी गुरु की नहीं कि वो सब समस्या का तारा बन सकते हैं। अभी तक 75 साल हुए वाला है कि भोजन की सत्ता यहाँ पे अभी तक प्रस्तावित हुई नहीं है, इसलिए अभी जो आप देखते होंगे हम किसी के ऊपर टिका टिप्पणी नहीं करते हैं। टिका टिप्पणी तो हम भोजन लोगों से कहते हैं कि उनको गुमराह करके अभी तक 75 साल से उनका गुमराह करे वाला है। अभी तक उनकी सत्ता यहाँ पे सही मायने में बाबा साहब का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो सपना अभी तक साकार नहीं होने वाला है। और एक पे भोजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि यहाँ पे भोजन की सत्ता और बाबा साहब का सपना का भारत यहाँ पे निर्माण करने की कोशिश करते मुंबई और कोकण जोन का इंचार्ज आज प्रेस में हमारे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के अध्यक्ष परमेश्वर गोनारे जी, मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट पंकज जी यादव, हमारे दोनों प्रभारी अर्जुन जी और नागसेन माला जी, इन सबकी उपस्थिति में हमारे सारे लोकसभा अध्यक्ष। तो आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे बड़े पैमाने में आज ये बहुजन समाज पक्ष का कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय साहब के हाथों से यहाँ पे हुआ है। सन्माननीय और आदरणीय बहन जी इनके आदेश के अनुसार 14 दिसंबर को 23 में ही परमेश्वर गुरनारी साहब का यहाँ पे अध्यक्ष पद घोषित हुआ और तब से लेकर अब तक उन्होंने काफी जोरों से पूरे महाराष्ट्र में काम शुरू किया, लेकिन महाराष्ट्र में काम करने के बावजूद भी आज पार्टी का जो ज्यादा लक्ष्य बना हुआ है, जैसे हम मुंबई में रह रहे तो मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें आती, आप पूछ रहे थे मुंबई के बारे में, तो 6 की 6 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और पार्टी के सारे वर्कर्स काफी ताकत से लगे हुए हैं। और आप जैसे जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी कैडराइज पार्टी है। आज यहाँ पर मुंबई में मुंबई डिस्ट्रिक्ट का ये बीएसपी का कार्यालय यहाँ पर ओपन किया गया है। ये चुनाव को नजर रख के यहाँ पर जो चुनाव से रिलेटेड जितने भी काम है ये पूरा सेंटर ऑफिस रहेगा और यहीं से चुनाव की जितनी भी तैयारियां, जितना भी प्रोग्राम जहाँ से कार्यक्रम करने के लिए इस ऑफिस का उद्घाटन किया गया, इस ऑफिस का ये शुरुआत की गई है। साथ साथ में हमारे जनता के जितने बहुजन समाज के गरीब से गरीब लोग हैं, तो हमारी राजनीति ये कोई भी सत्ता पाने वाली राजनीति, हम सत्ता में तो जाने का हमारा सपना देखते रहे, लेकिन साथ में ये हमारा एक मिशन है कि हमारा नहीं बिकने वाला जो समाज बनाना है उसका एक मिशन है। इस मिशन को हम लोग आगे चला रहे और इस मिशन को आगे चलाने के लिए साथ में हमारे जितने भी गरीब बहुजन समाज है आज उनके सेवा के लिए हमने मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा का आज शुभारंभ हम हमारे महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके कदमों से करने जा रहे हैं। साथ में ही बहुजन समाज के अंदर एक जोश लाने के लिए, एक मतलब बहुत अच्छे से एनर्जी लाने के लिए हमने बहुजन समाज का एक प्रचार के लिए गीत हमने बनाया है और उसी गाने का जो पूरे नारों के साथ में, एक जोश के साथ में घर घर में और हर के हरेक बहुजन समाज के दिल में वो बसने के लिए हमने उस गाने का एक निर्मित किया है गाना और उसको हम आज हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष साहब जो गुनारे साहब इनके हाथों से हम उसका प्रकाशन करने वाले। हमारा उद्देश्य यह है कि इस गाने के माध्यम से हम बहुजनों के घर घर तक हम पहुंचे और हमारा जो उद्देश्य है और वहां तक पहुंचाए।